करके में भी लोगों को घूरा जाता है। तो जब जब किसी के जिस्म को अपनी प्रॉपर्टी समझ के या उस पर अपना राइट सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद एक कोई अटेम्प्ट होगी तो ये वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ शुरकाए मार्च में से खातून मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप औरत मार्च में आई हैं आज? जी बिल्कुल। क्या जाहिर करने के लिए, क्या प्रिटेंड करने के लिए आई हैं? प्रिटेंड करने के लिए नहीं, डेमोंस्ट्रेट करने के लिए आई हूँ कि हमारी सोसाइटी में औरतों को मसाइल हैं और हम उन मसाइल का इदराक रखते हैं और उसके खिलाफ उन मसाइल को हल करने के लिए हम यहाँ पर डेमोंस्ट्रेशन दें। अच्छा मैम, शुरू में जब औरत मार्च का ये स्लोगन मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी मार्केट में आया तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज बनी, बहुत ज़्यादा आप ख़वातीन पे बातचीत की जाती रही जो इस स्लोगन के हामी थे। बहरकैफ उसके मामले पे तो बाद पे आएंगे, लेकिन मैंने पूरा ये पिंडाल विजिट किया है, यहाँ पे मर्दों की तादाद ज़्यादा है और उससे भी ज़्यादा ये तादाद यहाँ पर मीडिया नुमाइंदगान की है। क्या ये समझना दुरुस्त होगा कि मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी के स्लोगन को जो पाकिस्तानी मुआशरे की आम खातून है जिसके मसाइल आम तरह के हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, चूँकि यहाँ पर बहुत कम तादाद में खातून मौजूद हैं, आप भी इस बात की शायद हामी होंगी। अच्छा, यानी कि अगर कोई बात नहीं हो रही तो इसका मतलब है उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, आप ये समझते हैं? और बहुत से इश्यूज हैं जो उठाए हुए हैं, लेकिन ये भी तो इशू आपके सामने है, मैं इसको उठा के खड़ी हूँ। आप तो ज़रूर खड़ी हैं, लेकिन जो चूँकि एक ये भी रहा है मामला कि औरत मार्च में जो मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी की बात करती हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की कुल आबादी की 1,00,000 जो हिंसा है या 1,00,000 का फिगर है उससे ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन होती हैं जो एलीट हैं, जिन्हें इस मुल्क के आम लोगों के मसाइल का नहीं पता, जिन्हें इस मुल्क के वो सिंध के किसी आखिरी कोने में रहने वाली खातून के मसले का नहीं पता, ये वो खवातीन पूरे मुआशरे को प्रेजेंट नहीं कर सकती। तो क्या ये सवाल पूछना दुरुस्त ही हुआ ना कि इस वक्त इतनी कम तादाद में औरतों का बाहर निकलना इस बात की गवाही करता है कि ये नारा रिजेक्ट किया जा चुका है? आप तादाद पे बात करना चाहते हैं या इस स्लोगन के मेरिट पे बात करना चाहते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि ये मसला पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो खवातीन है उनका नहीं है, सिंध में खेतों में काम करने वाली औरत का रेप नहीं होता, उसके जिस्म पे दूसरे की मर्ज़ी नहीं चलती, तो ये उसका मसला है। पाकिस्तान में किस बाज़ार में औरत को घूरा नहीं जाता, पाकिस्तान में किस तबके की औरत को घूरा नहीं जाता, बुरके में भी लोगों को घूरा जाता है। तो जब जब किसी के जिस्म को अपनी प्रॉपर्टी समझ के या उस पर अपना राइट सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद एक कोई अटेम्प्ट होगी तो ये वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर कितनी खवातीन को और कितनी यहाँ पे आके खड़ी हो जाएं ब्रेस्ट कैंसर के डेमोंस्ट्रेशन पे, तो आप ये नहीं कह सकते कि उनको नहीं है, उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। जो चीज़ सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है वो उसके मेरिट और डीमेरिट पे हम ये डिसाइड करेंगे कि वो है कि नहीं है। यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा तब भी औरतों को घूरा जाएगा, तब भी ये नारा वैलिड रहेगा। अगर ये आज मैंने एक नहीं भी उठाया होता तब भी। थोड़ी सी इस पे भी रोशनी डाल दीजिए, चूँकि जो आम नाजरीन हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो पाकिस्तान का आम बंदा है, आम इंसान है, वो इस बात को समझने से कासिर है कि ये मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी है क्या। लोग इसके बहुत सारे ख़ुद से भी मानी निकालते हैं। थोड़ा सा आज आप ख़ुद ही डिस्क्राइब भी कर दीजिए और इसकी बुनियाद भी बता दीजिए, इसके पीछे बुनियादी सोच क्या है? मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी कोई इतना बड़ा फ़लसफ़ा नहीं जिसे मुझे डिस्क्राइब या डिफ़ाइन करना पड़े। इसका मतलब है कि मेरे जिस्म से रिलेटेड जितने भी हकूक होंगे वो मुझे हासिल होंगे और आपके जिस्म से रिलेटेड जितने हकूक होंगे वो आपको हासिल होंगे। इसमें आपकी सेक्स आती है, चाइल्ड बर्थ आती है, स्टेयरिंग आती है, हरासमेंट, ये जितना कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ख़वातीन के साथ जो उनके जिस्म को पब्लिक प्रॉपर्टी समझ के किया जाता है। या लेट सपोज आप देखें हमारे आप इसी सोसाइटी में होते हैं ना, हमारे यहाँ तो ये भी होता है कि एक खातून अगर वर्क प्लेस पे है और उसकी किसी के साथ अच्छी दोस्ती है तो दूसरा कहता है कि इसके साथ क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं। यानी कॉन्सेंट का कोई हमारे यहाँ आइडिया ही नहीं है लोगों को, उनको लगता है कि जो बाहर औरत निकली तो हमारी है ना, वो तो हमारी होगी, जो घरों में है वो तो उनकी है, जिनके घरों में जो बाहर निकली वो हमारी होगी। तो ये इस चीज़ को देखें कि जो खातून आप इसे मेरा जिसे मेरी मर्ज़ी को कॉन्सेंट ले लें, आप अगर मुझे घूरना चाहते हैं तो आपका मेरे साथ कोई ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कि आप मुझे घूरें। बहुत मतलब हम 23-24 करोड़ की आबादी हैं, उसमें से क्या है 23-24 करोड़ की आबादी में से जितने भी मर्द हैं वो सारे इसी काम पे लगे हुए हैं, औरतों को घूरने पे या फिर औरतों को पे डोमिनेंट होने के लिए लगे हुए हैं या फिर उनके हकूक की तदहीक में मसरूफ़ हैं सारे के सारे मर्द। ये कहना भी इस तरह से इस हिंदा पे चले जाना भी तो आपको नहीं लगता गलत है? किसने कहा है कि सारे करें,
हम तो नहीं कहते सारे करें, लेकिन लेकिन मैं ये कहती हूँ अगर अगर माशरे के बारे में तो मेजोरिटी कर रही है ना भाई, मेजोरिटी कर रही है ना। देखिए आप अगर औरत होते और आप बाहर निकलते तो फिर मैं आपसे पूछती, मैं औरत हूँ मैं आपको बता रही हूँ मेजोरिटी करती है, आपकी मेजोरिटी नहीं करती, आपका ओपिनियन, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन, मुझे लगता है मेजोरिटी करती है तो मैं ये लेके खड़ी हूँ। अच्छा चलें आप ये लेके तो खड़ी हैं, आखिर में क्या समझती हैं, क्या हल है इस मसले का? मसले का अवेयरनेस है जिसके लिए हम खड़े हैं यहाँ पे, अवेयरनेस। लेकिन ये भी इस तरह मेरा जिसे मेरी मर्जी की टैग इस्तेमाल करके दी जाएगी, वो भी तो नेगेटिव सेंस में जा रही है। ये आप समझते हैं नेगेटिव है, हम नहीं समझते नेगेटिव, पॉपुलरिटी समझती है। आज यहाँ पे हाजिर होने वाले, यहाँ पे तशरीफ लाने वाले शुरका इस बात की गवाही है कि बहुत कम तादाद में लोग ये बात समझ रहे हैं। जब 4 साल पहले पहली दफ़ा ये स्लोगन उठा था ना तो इस पर बहुत ज़्यादा अपोजिशन थी। आज बहुत से लोग मैं पर्सनली जानती हूँ जो इसको कहते हैं इतनी भी बुरी बात नहीं है। दैट इज़ वॉट अवेयरनेस इज़। ऐसा नहीं होता कि आज हम अवेयरनेस क्रिएट करने खड़े होंगे और कल सुबह तक सारी दुनिया उसको मान लेगी। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड आई कैन सी द चेंज, आई कैन सी द पॉजिटिव चेंज, दैट्स व्हाई आई एम हियर विद दिस स्लोगन वंस अगेन। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक खातून मौजूद थी औरत मार्च के शुरका में से, उनसे हमने गुफ्तगू की और उनसे वही सवालात रखे जो इंट्रो में आपके सामने रखे थे। इनका मौकफ आपने जाना है।